जिंदगी के मजे लेते हुए, सन बात लेते हुए। तो ये लग रहे अपने चिकन के पीस मस्त बारबेक्यू हो रहे भाई की कुछ ऐसी हालत है। क्या लाइफ है यार, मस्त नजारा और गर्मा गर्म पोहा। भाई साहब, ये जो अभी मैंने किया वहाँ पे जाके जो मुँह धोया है ना, आपको बोलो अभी इतना मतलब इतना फ्रेश लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्या पानी है, आह। हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आए हैं नाइट कैंपिंग करने के लिए भंडारधारा, एंड वी आर ऑल सेट। अपने भाई लोग उधर गए थोड़ा ऑफ रोडिंग और करने के लिए, हम फ्रेश होके थोड़ा मुँह वूह धो लिए और अभी इतना मस्त लग रहा है, क्या बताऊँ आपको यार, मतलब बस यार मज़ा आ गया। तो वहाँ पे अपने टेंट्स है, और यहाँ पे अपना फोटो सेशन चलते हुए, क्या बात है। और ये हमारे ट्रैवलर जिंदगी के मजे लेते हुए, सन बात लेते हुए भंडारधारा में। अगर ऐसी शाम मुझे बिताने को मिल रही है तो शुक्र गुजार हूँ ऊपर वाले का कि वो मुझे ये इतने खूबसूरत से दिन दिखा रहा है। क्या प्यारा नज़ारा है यार, ये सब कुछ मतलब हम लोग ही है, सब कुछ हमारा है आज यहाँ पे। और शाम को जो मजा आने वाली है, थोड़ा अंधेरा होने के बाद तो और थ्रिल है, मतलब और डर लगने वाला है। सनसेट एंजॉय कर रहे थे और एक्चुअली तीनों जन अपने आप में खो गए थे, मतलब इतना प्यारा लग रहा था, इतना शांत। और ये जो पानी का हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है ना, पूरा स्ट्रेस बस्टर है। तो अभी ये माहौल में मस्त बारबेक्यू का प्रिपरेशन करते हैं और चिकन विकन खाते हैं, पूरी नाइट अभी पार्टी करते हैं। तो ये आ गई है अपनी लाइट मैगी और गर्मा गर्म चाय। तो अभी आएगा असली मज़ा, क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया है। ये तो अपना जो लाइट है वो चालू है, इसके लिए इतनी रोशनी दिखाई दे रही है, बट अभी लाइट बंद करता हूँ और आप देख लीजिए कि यहाँ का माहौल क्या हो गया है। तो ये हो गया यहाँ का माहौल, पूरा अंधेरा है। अब आएगा असली मज़ा। तो अभी बारबेक्यू का प्रिपरेशन मस्त चालू है, हम खुद करने वाले हैं। जो सुरेश भाई है वो यहाँ के, जो जिन्होंने जिनका ये सब कुछ है, मैं आपको मिलाऊंगा उनको कल सुबह, तो उनका मतलब वो करके देने वाले थे। हम लोग ने बोला कि नहीं भाई, हम लोग का करेंगे और मज़ा करेंगे। तो अभी खुद हम लोग का बारबेक्यू का पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की शाम एंजॉय करते हैं। तो ये लग रहे अपने चिकन के पीस मस्त बारबेक्यू हो रहे, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। तो आपका ट्रैवलर जो है वो पूरा मल्टी स्किल है, राइडिंग, ड्राइविंग, कुकिंग, सब कुछ आते हैं उसको। पहले से मैरिड होके आया था, आग उन्होंने जला के दी है, कुछ नहीं किया है, आज मैं टॉक्स कर रही। इसके भरोसे पे, दिस इज कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन, नॉट मल्टी टैलेंटेड, ओके। इसके भरोसे पे आया था शेफ, 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 दिस इज व्लॉग, ये सब हमें करना पड़ रहा है। खुद चिकन बनाते बनाते खाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत टेस्टी बना है, ऐसे ये लोग भी कह रहे हैं। टेस्टी बना है ना भाई लोग? बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी बना है। और माहौल इतना मस्त हो गया है और हम लोग को टेंशन था कि गर्मी होने वाली है, लेकिन ठंडा हो गया। जैकेट वैकेट पहन के भाई अपना मस्त एकदम पूरा सेट है, रन ऑफ कच्छ का स्टार अपने, और बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो अभी हम्पी का स्टार है भाई, यह अपना हम्पी का स्टार है। तो ऐसे तीन राइडर अंधेरे में
कैंप फायर साइट पे बारबेक्यू चिकन एंजॉय करते हुए। तो अभी तक हम लोग तीनों ही थे जो बारबेक्यू पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अभी जस्ट 2 मिनट पहले और एक दोस्त आया है और ये भी अपने बारबेक्यू पार्टी में ज्वाइंट हो गया है। बाबू चलो घर पे जाओ, अभी बहुत चिकन खा लिया तुमने, कल स्कूल है अपने को ना, चलो घर पे जाओ। भाई की कुछ ऐसी हालत है, ठंडी से काप रहा है। भाई रन ऑफ कच किया है तूने, 2 से 3 डिग्री में थे हम, ये तो क्या है 17-18 डिग्री है। तो ये है अपना खाना, चिकन सलाद चपाती और राइस भी है। भाई अच्छा लग रहा है खाना, बहुत बढ़िया। अरे भाई ने ब्लैंकेट निकल डाला, बहुत बढ़िया। और वहाँ है अपना बॉन फायर जो फिलहाल चालू नहीं है, उसको चालू करना पड़ेगा। तो इस ठंडी बड़ी मौसम में जो खाना खाने को मज़ा आया, एकदम सिंपल सा खाना था, चिकन करी चावल चपाती सलाद, बट काफ़ी टेस्टी था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा बॉन फायर चल रहा है, क्लाइमेट एकदम मस्त ठंडा हो गया है। To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. तो मस्त में शाम बिताने के बाद आपके ट्रैवलर का फर्स्ट नाइट कैंप में टेंट में वो सोने जाने वाला है। मतलब आज तक अपन ने लाइफ में ऐसा कुछ किया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा है, बट अभी टेंट वेंट सब बंद कर दिया है तो अभी थक गए हैं तो थोड़ा सो जाते हैं। कल सुबह आप लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि कल सुबह यहाँ का जो नज़ारा रहने वाला है वो इतना प्यारा और इतना खूबसूरत रहने वाला है। कोशिश करूंगा सनराइज़ कवर करने की, लेकिन थक गया हूं तो पता नहीं, अगर जल्दी उठ गया तो सनराइज़ कवर कर लूंगा या आपको वो खूबसूरत सा नज़ारा तो दिखाऊंगा। तो अभी आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलता हूं। गुड मॉर्निंग, जो एक्सपीरियंस था ना बहुत अमेजिंग था। मतलब रात को जो नींद आई है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि नींद आएगी नहीं, ठंडी तो भर भर के हुई थी और बहुत बढ़िया लगा। मतलब एकदम फ्रेश लग रहा है अभी। ये आ गए अपने गर्मा गर्म पोहे। महाराष्ट्र में है भाई तो कांदा पोहा तो एंजॉय करना बनता है। क्या लाइफ है यार, मस्त नज़ारा और गर्मा गर्म पोहा, क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो ये अपने सूरज बाबू है जिन्होंने हम लोग का पूरा सब अरेंजमेंट किया था और इतना बढ़िया था, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सूरज भाऊ, थैंक यू सो मच। तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अब स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को नाइट कैंपिंग करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल भंडारधारा बनता है, और भंडारधारा में आएंगे तो सूरज भाऊ बनता है। तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच सूरज भाऊ वापस, थैंक यू, मज़ा आ गया, मज़ा, बहुत मज़ा आया हमको, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी ऑल सेट, नाश्ता वाश्ता होके मस्त अभी फ़ोटो वोटो सेशन करके हम निकल रहे हैं मुंबई की तरफ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, गणपति बप्पा, मौर्या मंगलमूर्ति, मौर्या गजानना। तो सवारी मुंबई की तरफ, और पहले का 10 मिनट कड़क ऑफ रोडिंग रहने वाला है।
हाँ हाँ ये देखिए अपना सुबह का नाश्ता करते हुए। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मतलब सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ प्यारा रहने वाला है, और ऑफ रोडिंग के बारे में तो सोचा नहीं था। ऐसे लग रहा था कि अरे 170 किलोमीटर भंडारदारा जा रहे हैं, कहाँ ऑफ रोडिंग। बट अच्छा खासा ऑफ रोडिंग मिला और मतलब सक्सेसफुल हो गया सब कुछ। दुबई से आने के बाद जो लो फील कर रहा था, अब हम मस्त में एकदम फ्रेश होके वापस मुंबई की तरफ जा रहे हैं। ये व्यू देखिए, पूरा लैंडस्केप, और इतना बढ़िया लग रहा है ये, बारिश में तो और खूबसूरत लगेगा। कोशिश पूरी चालू है कि आप लोगों को अलग अलग टाइप का ट्रैवल कंटेंट देना। इसके लिए इंटरनेशनल के बाद सीधा नाइट कैंपिंग। तो इसी बात पे यार, सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मेरे जो सब्सक्राइबर है और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन, कितने जन ने किया है नाइट कैंपिंग, और अगर किया है तो कहाँ किया है, और जिन्होंने नहीं किया है क्या उनको अच्छा लगेगा नाइट कैंपिंग करना, कमेंट करके बता दीजिए। तो सवारी पहुँच गई है कसारा घाट, ये एक टूवर्ड्स मुंबई जाने वाला रास्ता है, तो हम ऊपर से नहीं जाते हैं, बट बहुत सारे शार्प टर्न्स है यहाँ पे, जैसे कि ये सामने दिख रहा है, तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। ओके ब्रो, बाय 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 बाय, मिलते हैं फिर अगली राइड पे, मिलते हैं फिर अगली राइड पे, चल बाय बाय। मजा आ गया, मतलब दो दिन के राइड में इतना एडवेंचर होने वाला है मैंने सोचा नहीं था, ना अपने दोनों राइडर ने सोचा था, और इतना खूबसूरत माहौल था वहां पे कि यार बस मतलब ऐसे लग रहा था निकले ही नहीं वहां पे। दो दिन मस्त फ्रेश होके आए हैं, और ये ऐसे दो दो दिन के राइड अभी काफी होंगे, बिकॉज अपना एक बड़े राइड का प्रिपरेशन शुरू है, तो उसके लिए ऑफ रोडिंग और ये सब कुछ प्रैक्टिस करना है अपने को। तो ये सारे राइड प्लान होते रहेंगे और आप लोगों तक नए नए डेस्टिनेशन आते रहेंगे। तो बस मज़ा आ गया। तो ये व्लॉग, ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया रहेगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ, लव यू गाइज़।